ए, कौन हो तुम लोग? तुम वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। उस घर के नाम से अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है मुझे। आपने इन बच्चों को गौर से देखा है? ये नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। वो देखिए जिस तरीके से वो खाते हैं, बैठते हैं, इनका एक्टिविटी, इनका बिहेवियर, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तुम्हें मैंने वहां भेजा था कि जाके अपना मन हल्का कर लो, तुम अपना मन और भारी करके आ गई। यार मानवी, पूरी दुनिया की सरदर्द अपने सर पे लेनी जरूरी होती है क्या? एक ही रास्ता है मानवी। क्या मम्मी जी? और कोई उन्हें अडॉप्ट कर ले। और आप क्या चाहती है, ये सब मैं चुपचाप सहती रहूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है। आप इनके साथ थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। इन बच्चों ने 6 साल एक सुनसान सी जगह पे बिताए। क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, क्या क्या सहा होगा, आप और मैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। पता नहीं किस सदमे में रहे होंगे ये बच्चे। आप प्लीज थोड़ा सा नरमी से पेश आइए। आप ना मुझे मत समझाइए, मेरा क्या काम है, समझी आप? बड़ी आई, मुझे अब इंजेक्शन लेना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होगी। अब बेटा आप इनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना, कोई भी बात दिल पे मत लगाना, ठीक है? देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, टॉयज। घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी बेटा, कुछ नहीं कहूंगी। ये प्यारी सी गुड़िया आपके लिए। इट्स ओके। अच्छा आपका जब मन करे आप खेलना, ठीक है? बाय। मुझे पता था तुम लोगों ने आदतें भले ही जानवरों की अपनाई हो, लेकिन दिल से तो तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो, उतने ही मासूम, उतने ही प्यारे। आप खेलो उसके साथ, वो देखो वो बहुत प्यारा है, टच करो उसे। मैं आपको बताती हूँ इसके साथ कैसे खेलते हैं। गुड़िया हाथ लगाओ इसे, कुछ नहीं कहेगी ये। अच्छी है ना? अब हम इसके कपड़े चेंज करेंगे। बेचारे बच्चे, मैं इस हाल में इन्हें कैसे उस अनाथ आश्रम में जाने दूं? अगर हॉस्पिटल में बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो अनाथ आश्रम में उनके साथ क्या होगा? पता नहीं उन बेचारे बच्चों का क्या हश्र करेंगे। अरे मानवी, क्या हुआ मानवी, सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी उन बच्चों से मिलकर आ रही हूँ, वो अभी भी बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए हैं, और उन्हें उन्हें वो लोग अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं। वो बच्चे इतने डरे सहमे से हैं, पता नहीं वो अनाथ आश्रम में कैसे रह पाएंगे। और वो बच्ची, वो तो इतनी डरी रहती है और हर वक्त अपने भाई के पीछे छुप के बैठी रहती है। आपको पता है मैं उनके लिए खिलौने लेकर गई, मुझे लगा कि शायद खिलौने देख के वो उनके साथ खेलेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन खिलौने देख के वो बच्चे और डर गए और बिल्कुल एक दूसरे के साथ डर के चिपक के बैठ गए। पता नहीं मम्मी जी, वो इस हालात में कैसे उस अनाथ आश्रम में जा करेंगे। वो छोटा बच्चा अपनी बहन के लिए इतना प्रोटेक्टिव है जैसे जैसे मेरे दादा मेरे लिए हैं, मेरे लिए थे। और तुम स्टूडियो से हो आई हो? स्टूडियो? राहुल ने कहा था 12 बजे आ जाना। नहीं मम्मी जी, मैं तो जाना ही भूल गई। हे भगवान, टाइम क्या हुआ? देखो 1:30 बज गए। जल्दी जाओ, जाओ 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 जी। मैंने कहा ना सब कुछ कैंसिल कर दो,
रिहर्सल्स एवरीथिंग। इरिटेट मत करो मुझे प्लीज, और जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हे भगवान, राहुल तो बहुत गुस्से में, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, राहुल ने मुझे कितनी बार याद दिलाया था, फिर भी मुझे देर हो गई। अब तो वो और नाराज हो जाएगा, अब क्या करूं? Go away. राहुल, राहुल I'm sorry. ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब एक ही रास्ता है, मुझे इससे सिंपथी लेनी होगी, वरना ये तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। ये कोई तरीका है राहुल? तुम्हें तो पता भी नहीं आज मेरे साथ क्या क्या हो गया, ऊपर से तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ राहुल, ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ। मैं घर से ना बिल्कुल टाइम पे निकली थी कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे ऑफिस पहुंच जाऊंगी, लेकिन आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। Really? हाँ। फिर क्या किया तुमने? ऑटो किया, और क्या करना था। पर बहुत मुश्किल से मिला ऑटो। आज ना ऑटो वालों की हड़ताल थी राहुल, और मैंने पहले सोचा कि क्यों ना थोड़ा पैदल चल लेती हूँ, ऑफिस पहुंच जाऊंगी पैदल चलते चलते। तो बस एक दो किलोमीटर चली तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऑटो मिल गया। तुम्हें दो तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? हाँ राहुल, तुमसे कमिटमेंट जो किया था निभाना तो था ना। पर कुछ भी कहो राहुल, आज का दिन बहुत खराब था। ऑटो वाले के साथ आधे रास्ते में पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स घर पे भूल आई, वो भी एकदम रूट था। वो भी मतलब? तुम्हारे जैसे बिल्कुल खड़ूस। उसे जब पता चला मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मुझे आधे रास्ते पे उतार दिया। What? हाँ? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो राहुल, फिर मैं उतर गई उसके ऑटो से, मैंने वो ऑटो छोड़ दिया। तो थोड़ा सा दूर चली तो बारिश होने लगी, मेरे पास छतरी नहीं थी ना राहुल। फिर मैंने एक मच्छी वाली की टोकरी को छत बना के वहाँ थोड़ी देर टाइम बिताया। अब मच्छी वाली को भी घर जाना था ना, तो वो चली गई, और उसके बाद तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर तुम्हारी चप्पल टूट गई? हाँ, मेरी चप्पल टूट गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये सब किसी और के साथ पहले हो चुका है। किसके साथ? सोनाली बेंद्रे के साथ। सरफरोश फिल्म गाना था ना जो हाल दिल का, उसमें। नहीं नहीं, सावन बरसे तरसे दिल, उसमें हुआ था ये। कंग्रेचुलेशंस, घर आ रहा होगा अपने ऊपर, मुझे बेवकूफ बना के। सोचा था मैंने, लेकिन तुमने मुझे पकड़ कैसे लिया? हिंदी फिल्में देखता हूँ मैं। फिल्में देखते हो तो राहुल, तुम मुझे अब तक कोई फिल्म दिखाने क्यों नहीं लेके गए? ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे नाराज हूँ। उस बात पे कि तुम यहाँ पे सुबह पहुँचने वाली थी, तुम आई नहीं, या उस बात पे कि तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो ये सब पर। 15 मिनट पहले घर से निकली हो तुम, मामले मुझे फोन करके बताया कि मानवी लेट हो जाएगी, उसको डांटना मत। तो फिर तुम मम्मी की बात मान लो ना, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा राहुल। देखो मानवी, दिस इज वेरी सीरियस। मैं यहाँ पे दिन रात एक करके हमारी डुएट की तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारा लॉन्च है, मैं खुद 100% नहीं 200% लगा रहा हूँ। मेरी पूरी कंपनी लगी हुई है इसके पीछे, लोग सुबह 6 बजे के आके बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए, और तुम आभारी हो। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। तुम एक काम करो, तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, कैसी भी सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करो। ठीक है, कोई भी सजा दे सकता हूँ ना? हाँ, लेकिन तुम पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे डंडा लेके मेरी पिटाई करने वाले हो। स्कूल टीचर नहीं हूँ मैं, समझे? कौन सी सजा? मैंने आज ही कुछ पढ़ा है, और मैं उसे अपने रिलेशनशिप में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी शुरुआत तुम करोगे। तुम्हें मेरे बारे में कुछ 5 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, 5 चीज़ें जो कि तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी है। ये तो मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है जैसे तुमने मुझे काओ पे ऐसे लिखने को दे दियो। शट अप, मैं अभी भी गुस्से में। कोई भी 5 चीज़ें नहीं जो तुम्हें मेरे बारे में पसंद है, जिसकी वजह से कि मैं औरों से अलग दिखता हूँ तुमको। एंड या, तुम्हें 5 और रीजंस बताने पड़ेंगे कि मैं एक अच्छा हस्बैंड क्यों। तुम अच्छे हस्बैंड हो राहुल। तुम मार खाना चाहती हो मानवी? नहीं, वो तुम अच्छे नहीं राहुल, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। यही सब कहना है तो मैं अभी बोल देती हूँ, शुरू करूँ? I'm not done yet. और भी लिस्ट बाकी है। लिस्ट में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। Well, to make things spicy, तुम्हें ये सब ये 10 के 10 reasons।
मुझे पंजाबी में बोलना है। पंजाबी में? मुझे तो पंजाबी बोलना नहीं आता राहुल, तुम्हें पता है ये बात? Well, Mrs. राहुल सबरवाल, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हे भगवान, ये कहां फंसा दिया राहुल ने मुझे, अब मैं पंजाबी कहां से सीखूं? और हाँ, सब कुछ जल्दी करना, मुझे ये सारे रीजंस पंजाबी में जल्दी चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है। You know, it swings really badly. मैंने कहा जल्दी, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। पंजाबी में ना? जी। हाँ मानवी, लेकिन पंजाबी क्यों? पंजाबी इसीलिए माँ, क्योंकि राहुल मुझे चिढ़ाना चाहता है। तुम और राहुल ना दोनों बिल्कुल बच्चे हो, लेकिन बहुत प्यारे हो। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, हमेशा खुश रहना। अच्छा मानवी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम्हें ये पंजाबी सीखनी है ना, तो तूने मुझे क्यों फोन किया? इसके लिए तो मुझे सोनाली जी या माँ जी, इनसे पूछना चाहिए ना। माँ, अगर मैंने मम्मी जी से पूछा ना, तो मम्मी जी राहुल को बहुत डांटेंगी, और अगर उसे डांट पड़ी तो वो और नाराज हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया ट्रांसलेशन के लिए। माँ, वो हमारे हमारे पड़ोसी है ना, गिल अंकल, आप उनकी बेटी पिंकी को बोलो कि वो मुझे मैसेज कर दे। अरे कैसी बातें कर रही हो मानवी, वो बेचारी पढ़ने जाती है, अपनी ट्यूशन छोड़ के वो वहाँ कैसे आएगी तुम्हारे पास? ओफो माँ, आप मेरी बात तो समझो, मैंने अपनी स्पीच पूरी रेडी कर ली है। आप उसको ये बोलो कि उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में मुझे मोबाइल पे भेज दे, इतना तो वो कर ही सकती है ना। लेकिन मानवी बेटा, ये सब करके तुम मतलब पंजाबी कैसे सीख लोगी? ओफो माँ, माँ अब आप शुरू मत हो जाओ, मैंने जो कहा है प्लीज वो कर दो। ठीक है, अभी मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। माँ भी ना? जी इंस्पेक्टर साहब। नहीं, हम बच्चों के आज बचे हुए सारे टेस्ट करवाने वाले हैं, और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो वो आज शाम तक पता चल जाएगा। या क्या? अरे उसको पकड़ो, वो भाग। मैडम। आ गई बच्चों की रिपोर्ट्स? जी हाँ मैडम। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है रिपोर्ट्स में? आप खुद ही देख लीजिए ना। हाउ इज इट पॉसिबल, ये बच्चे तो नॉर्मल बच्चों की तरह एकदम हेल्दी हैं, जबकि ये जिस हालात में थे इनको मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना चाहिए था, लेकिन इन पर तो कोई असर नहीं हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी हालत में तो बड़े बड़ों की हालत बिगड़ जाती है, पर ये बच्चे तो। मैडम, आपकी 10 मिनट्स के बाद में डॉक्टर मेहता के साथ मीटिंग है। हाँ मैं आती हूँ। ये बच्चे इतने दिन अकेले उस घर में सर्वाइव कैसे कर गए, यानी कि ये मेरी समझ से ज्यादा समझदार है, पर मुझे इस बात का कोई तो सबूत। ये बच्चे किससे बात कर रहे हैं? अंदर कोई है? मुझे देखना पड़ेगा। कुछ नहीं किया? नहीं। पिता, क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रहे थे?
हाँ बेटा, वहां तो कोई भी नहीं है। आपको कोई दिख रहा है? हाँ आप मुझे बताओ। अरे मैं आपकी हेल्प करने आई हूं। आप गॉड, ये क्या हो रहा है? ये मेरी आंखों का धोखा है या ये बच्चे वाकई किसी इमेजिनरी इंसान से बातें कर रहे थे और अचानक ना भड़क गए? ये केस मेरी समझ के बाहर है। अरे मानवी, लेकिन पहले मुझे सोनाली जी उनसे तो मिलने देना। माँ आप प्लीज पहले मुझे वो ट्रांसलेशन दो, मुझे तो ये भी नहीं पता उसे याद करने में मेरा कितना वक्त जाएगा। अरे बाबा रुको ना, देती हूँ मैं, एक मिनट। लाओ हाँ। दिखाओ क्या लिखा है पिंकी ने। ठीक है देखू तो सही, कहीं पिंकी ने अपने मन से राहुल की तारीफों के पुल तो नहीं बांधती है। वो तो वैसे भी राहुल की बहुत बड़ी फैन है, पता लगे जानबूझ के बहुत कुछ लिखती है उसके बारे में। राहुल को तो सिर्फ 5 ही पॉइंट चाहिए। अरे लेकिन मुझे नहीं मालूम ना उसने क्या लिखा है। वो कह रही थी कि मानवी दी ने जो कुछ भी लिखने के लिए कहा है ना वो उसने पंजाबी में लिख के भेजा है। हाँ ए जी हुड मैं अपने नहीं आपते आपते हस्बैंड नाल देखना कुछ कहना चाहूंदी चाहूंदियां। माँ मैं ये ठीक भी पढ़ रही हूँ कि नहीं? अब मुझे कैसे पता होगा ना, ये जुबान है ना मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। हाँ तो फिर मुझे कौन बताएगा? मानवी, शिल्पा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला कि तुम यहाँ आई हो और मानवी के कमरे में हो, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आई। अरे नहीं नहीं सोनाली जी सॉरी, मेरा मतलब है वो मानवी ने अपनी ड्यूटी पे मुझे लगा दिया था, वो उसका स्पेशल टास्क में। स्पेशल टास्क? इसके बारे में तो मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे मानवी बताना उनको। मम्मी जी अगर मैं बताऊंगी तो आप हंसेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हंसूंगी, बताओ क्या है। वो पढ़ के बताऊं? हाँ पढ़ के बताओ। जी मैं हुन मम्मी जी आपने कहा था कि आप नहीं हंसेंगी, आप फिर हंस रही हैं। पर इतनी फनी बात होगी, ये थोड़ा ना बताया था तुमने। तुम दोनों क्या करते रहते हो? बट इट्स वेरी क्यूट। पर तुमने तो ट्रांसलेशन करवा लिया है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मम्मी जी उसे बोलने की, मैं तो बंगाली हूँ तो पंजाबी भी बंगाली स्टाइल में बोलूंगी ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने बोलो, मैं तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ना ठीक कर दूंगी। नहीं मम्मी जी आप मुझ पर फिर हंसेंगे। तेरे हंसने का कोटा पूरा कर दिया तूने, अब इसके आगे और नहीं हंसूंगी। ठीक है चल। आजी खुद मैं अपने हस्बैंड वास्ते कुछ कहना चाहूं। तूने सर पे बंदूक रख दिया है क्या? ऐसे डर डर के क्यों बोल रही हो? पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस रखो, चलो बोलो। अब और अगर राहुल ने कोई ड्रामा किया ना अगली बार तुम उससे वही काम करवाना, ठीक है बंगाली में। राहुल तुहाडे तो ज्यादा चंगा पति किसी कुड़ी नू नहीं मिल सकता। देखो कितनी अच्छी बोल रही है। जिन्नू मैं कदी नहीं भुलांगी। God, I love her. She's so cute. और पंजाबी बोलते हुए तो इस बंगालन का जादू और भी मेरे सर पर चढ़ रहा है। देखिए हमने तो ये गलती की ना, हमें उन बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए था। सर लेकिन उन्हें पुलिस यहाँ लेके आई थी, हम कैसे कोई बहाना कर सकते थे? By the way, ये अनाथ आश्रम वालों से बात हुई जहाँ हम उन बच्चों को भेजने वाले हैं, और वो रिपोर्ट्स
उनका क्या हुआ? सब बच्चों की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो लोग एकदम हेल्दी हैं। गुड, फिर इन्हें फौरन अनाथ आश्रम शिफ्ट करो। सब एक्चुअली इन बच्चों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। हाँ, तो ऐसे बच्चों की वहाँ देखरेख होती होगी ना, इसमें क्या बड़ी बात है? सर, वहाँ पर मेंटल स्टेट से जूझ रहे बच्चों को अच्छे से देखरेख नहीं की जाती, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। किसका मेंटल स्टेट? अभी तो तुमने कहा था कि बच्चे नॉर्मल हैं। हाँ सर, बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन किसी ने उनको बात करते हुए नहीं सुना आज तक। लेकिन मैंने सुना है उनको बोलते हुए, वो किसी इमेजिनरी इंसान के साथ बात करते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने कई बच्चों को इमेजिनरी दोस्त बनाते हुए देखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने उन दोनों को बोलते हुए सुना है, लाइक एक्चुअल वर्ड्स। वो बात कर सकते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो बच्चे तब से उस घर में बंद है जब से उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था, फिर वो बात कैसे कर सकते हैं? और इनफैक्ट गौर करने की ये बात है कि वो जिस जगह रहते थे ना, उनके पास कुछ खाने पीने का इंतजाम था, उनको जो मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन फिर भी आज उनकी स्टेट एकदम हेल्दी है। लेकिन ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, इसका मतलब कोई भी अनाथ आश्रम उन्हें इजीली अडॉप्ट कर लेगा। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, और मैं इन बच्चों को किसी ऑर्फेनेज में नहीं भेज सकती। मुझे इनके केस पर स्टडी करनी होगी और उस इमेजिनरी दोस्त के बारे में भी जानना होगा।